नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, हमारी आज की औषधि है दोस्तों पपीता। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि पपीते के क्या क्या गुण होते हैं और इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं दोस्तों, और ये किन किन बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। पपीता एक ऐसा फल है दोस्तों जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर के सामने कुछ ज़मीन है तो आप इसका पेड़ भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चा होने पर भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इसका छिलका बेहद मुलायम होता है जो आसानी से उतर जाता है। इसे काटने पर इसके भीतर कई छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं दोस्तों। आइए अब इसके लाभों के बारे में जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक। जी हाँ, पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफ़ी असरदार है। वजन घटाने में, जी हाँ दोस्तों, एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो आप अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, जी हाँ, रोग प्रतिरक्षा क्षमता अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहती हैं। पपीता आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी की मांग को पूरा करता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मात्रा में पपीता खाते हैं तो आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी, यानी कि आपको बीमारियां कम होंगी दोस्तों, होने की संभावना कम हो जाएगी। आँखों की रोशनी बढ़ाने में, जी हाँ दोस्तों, पपीते में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए आँखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर होता है दोस्तों। पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में, जी हाँ दोस्तों, पपीते के सेवन से पाचन तंत्र भी सक्रिय रहता है। पपीते में कई पाचक एंजाइम्स होते हैं, साथ ही इसमें कई डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से पाचन क्रिया सही रहती है। पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में, जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द की शिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीते के सेवन से एक ओर जहां पीरियड साइकिल नियमित रहता है वहीं दर्द भी कम होता है दोस्तों, या यूं कहें दर्द में राहत मिलती है। इसके साथ साथ पपीते में हमने आपको बताया एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं दोस्तों, कैंसर से बचाता है ये, इन्फेक्शन या एलर्जी से भी आपकी रक्षा करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, किडनी को प्रोटेक्ट करता है। बुखार आने पर, जी हाँ दोस्तों, बुखार आने पर पपीते का बीज का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व बार बार फैलने वाले जीवाणुओं से रक्षा करते हैं और आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आज की हमारी औषधि रही दोस्तों पपीता। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया नुस्खा लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।